नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। क्या इस कंपनी को हमें करंट प्राइस पे बाई करना चाहिए? क्योंकि आप देखेंगे 4 रुपये 5 रुपये का ये शेयर हुआ करता था एक साल पहले, और आप देखेंगे यह शेयर 1100 को भी क्रॉस करके उसके ऊपर निकल चुका है। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद क्या इस कंपनी को हमें बाई करना चाहिए, या फिर जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनका नेक्स्ट प्लानिंग क्या हो सकता है? क्या उन्हें थोड़ा थोड़ा करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं उसको भी हम आपको एनालाइज करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। आप देखेंगे सबसे पहले अगर इस कंपनी के 52 वीक लो को, तो आप देखेंगे यहां पे आपको 5 रुपये के पास का लेवल, यानी 4 रुपये 95 पैसे का लेवल आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने 28 अक्टूबर 2021 को यह लो बनाया था। कंपनी के अगर हाई की बात करें तो पर डे यह कंपनी अपना नया 52 वीक हाई बनाते हुए आगे निकलता जा रहा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यह कंपनी क्लोज हुआ 1100 रुपये 40 पैसे पे, और काफी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिला। अगर आप कंपेयर करेंगे इस कंपनी के रिटर्न का डेटा, तो यह कंपनी पिछले एक महीने में आपको 200% का रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर एक साल की बात करें तो 81,000% से ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल को। दोस्तों, अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो आप देखेंगे पिछले 4 सालों का डेटा हमने लगा रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2018 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन फिर भी यह कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाया था। कंपनी के एक्सपेंसेस घटाने के बाद कंपनी को लॉस हुआ था। वहीं अगर 2019 की बात करें तो सेम आप देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू में काफी बड़ी गिरावट, यानी 50% की गिरावट आपको देखने को मिला था, लेकिन कंपनी का जो लॉस था वो थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखा। कंपनी अगर कंपेयर आप करेंगे प्रीवियस ईयर से, तो आपको ये लॉस थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा था। वहीं अगर बात करते हैं इस कंपनी के नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020 में रेवेन्यू की, तो आप देखेंगे रेवेन्यू में फिर से आपको गिरावट देखने को मिला, लेकिन यहां पे लॉस भी काफी तेजी के साथ ग्रो किया। दोस्तों, अगर 2021 की बात करें तो यहां पे आपको कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही तगड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप देखेंगे रेवेन्यू में कई गुने की ग्रोथ आपको देखने को मिला है। वही कंपनी जो कि लॉस में चलता था, काफी तगड़ा प्रॉफिट जनरेट किया है, और इसीलिए इस कंपनी में इतनी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिला कि 5 रुपये वाला जो शेयर हुआ करता था वो 1100 रुपये को भी क्रॉस करके उसके ऊपर निकल चुका है। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल को। अगर हम इस कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो आप देखेंगे 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। 2021 में कंपनी के रेवेन्यू में काफी बड़ी ग्रोथ हुई। उसके पीछे का रीजन आप देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग। अगर उससे पहले यानी दिसंबर 2020 की बात करें तो 18.55% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास हुआ करता था, जो कि चेंज होकर मार्च 2021 में 75.27% हो चुका है। और करंट में भी आप देखेंगे यानी कि दिसंबर 2021 के डिटेल में आप देखेंगे तो सेम डिटेल है, यानी 75.27% का डिटेल आपको प्रमोटर्स के पास देखने को मिल जाएगा। अगर FIIs की बात करें तो वहां पे बहुत ही कम होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी होल्डिंग सेल की है जो कि प्रमोटर्स ने बाई किया है। यहां पे आपको 0.13% के डिटेल देखने को मिल जाएगा। DIIs जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, इससे पहले 0 हुआ करते थे, उन्होंने जो बाई किया है वो 24.03 बाई किया था सितंबर 2021 की बात करें तो उससे पहले में, लेकिन अगर दिसंबर 2021 की बात करें तो यहां पे थोड़ी सी सेलिंग आपको देखने को मिला है, और 23.56% इस टाइम करंट में इनके पास है, और इन्होंने जो सेल किया है वही सेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा कि उसमें जो पब्लिक है उन्होंने बाई किया है। इससे पहले पब्लिक की होल्डिंग काफी तगड़ी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। तो इसीलिए यानी कि मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो या फिर प्रमोटर्स के पास है या फिर DIIs के पास है, और इसीलिए बहुत ज्यादा ट्रेडिंग इस कंपनी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो आपने देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो 1360 की क्वांटिटी आपको देखने को मिला है।
लेकिन अगर फिर भी आप बाई करना चाहते हैं तो आप चाहे तो AMO ऑर्डर लगाकर इस कंपनी को बाई कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत क्वांटिटी तो सेल हो रही है, वो क्वांटिटी आप चाहे तो बाई करके चल सकते हैं। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल को। दोस्तों अगर इस कंपनी के हम डेली चार्ट पे डिटेल देखें तो आप देखेंगे 1 अप्रैल को इस कंपनी ने आपको बाइंग की काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी, क्योंकि यह कंपनी आप देखेंगे ओपन हुआ था 782 रुपये पे। कंपनी ने अपना लो बनाया था 780 रुपये 15 पैसे का, और उसके बाद यह कंपनी फिर से अपर सर्किट पे गया था 862 रुपये 25 पैसे पे। तो यहाँ पे बीच में जो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है, आपको इसी का फायदा उठाना है अगर इस कंपनी को आप बाई करना चाहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्या हमें इस कंपनी को बाई करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लें, उसके बाद कुछ अमाउंट इस कंपनी में भी आप चाहें तो लगाकर चल सकते हैं अगर इस कंपनी को आप बाई करना चाहते हैं। इस कंपनी को बाई करने से पहले आप इसमें डीपली अपना चाहे स्टडी करेंगे, उसके बाद ही इस कंपनी को बाई करें, क्योंकि यह कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ऊपर तक निकल चुका है। जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनसे मेरा यही कहना होगा कि अपना स्टॉप लॉस डेली टू डेली कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस आपने मिस किया और बीच में इसमें सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला तो आपको काफ़ी हैवी लॉस हो जाएगा, जो भी आपका बना बनाया प्रॉफिट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपको अपना स्टॉप लॉस डेली टू डेली कंटिन्यू करके चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।